अस्सलाम वालेकुम भाइयों और बहनों, मैं माई नेम इज़ निज़ाम ब्लॉक। मैं ये कहना चाहता कि बहुत दिन से मेरे अकाउंट में जो है बहुत व्यू कम आते थे और लाइक भी कम आती थी, कमेंट भी कम आते थे, सब्सक्राइबर तो इतको नहीं मिलते थे। और मैं इतने दिन बाद मैं फिर आ रहा हूँ कि ये मैं काफ़ी दिन से ये कहना चाहता था कि दिन भर और रात में ज़्यादा देर तक साइड करता था तो इस बारे में टाइम नहीं मिलता था। आप देख रहे कि कभी रात की मैं वीडियो बना रहा हूँ, कभी वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं टाइम निकाल के मतलब दिल की इच्छा आपको बात कह रहा हूँ कि मुझे पसंद तो ब्लॉग भी था, लेकिन आपको ब्लॉग चैनल बोला मैं बदलूँगा तो नहीं। इधर पर जो है मैं आपको कुकिंग का जो होता नहीं है, कुकिंग खाने की चीज़ मतलब सिखाऊँगा आपको कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं। और कल से इसकी वीडियो आएगी, ये भी दिखा सकते हैं। और बाकी कहीं कहीं पे जिस दिन अगर मैं खाली रहा तो मैं आपको ब्लॉग भी बना के दिखाऊँगा। मतलब एक आईडी से मैं जो है दोनों चीज़ दिखाऊँगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल सब्सक्राइब करो। और क्या कहें बाकी मेरी अम्मी क्या कहेंगी, अम्मी सिर्फ यही कहना चाहेंगी कि मेरे बेटे को आप लोग सपोर्ट करिए। इसलिए कि मैं भी देख रही थी कि काफ़ी समय से निज़ाम को टाइम नहीं मिल पा रहा था और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, इस वजह से हम लोगों ने व्लॉग पे ध्यान नहीं दिया है काफ़ी समय से। मगर अब निज़ाम ने सोचा कि जो निज़ाम कुकिंग करते हैं घर में, जैसे छोटी छोटी चीज़ें बनाना, क्या करना क्या नहीं करना, केक बनाना और जूस बनाना, जो भी मतलब वो निज़ाम बनाते हैं वो आपको कल से व्लॉग में दिखने को मिलेगा। निज़ाम की कुकिंग, निज़ाम व्लॉग कुकिंग स्टार पे, और यही निज़ाम व्लॉग ही रहेगा, आपके चैनल पे आएगा। प्लीज़ आप लोग हमारे बच्चे को प्यार दीजिए ढेर सारा, बस हम यही कहना चाहेंगे। और दुआ तो यही है भाई, अल्लाह पाक जिसको कामयाबी देता है तो वो कामयाबी उसके कदम चूमने लगते हैं, मगर कामयाबी के दर पे आपका सपोर्ट भी होना ज़रूरी है, भाई का, बहनों का, छोटे छोटे बच्चों का। हम कभी जाते हैं रोड पर या कहीं मॉल में गए या कहीं गए, कहीं अगर बच्चे हमको मिलते हैं तो हमसे सवाल करते हैं काफ़ी समय। अभी मैं कल गई थी मॉल पे तो वहाँ तो तीन बच्चे मिले जो हमको देख कितना खुश हो गए, बार बार मोबाइल पे देख रहे हैं और मेरा फेस मिला रहे हैं, फिर मोबाइल देख रहे हैं, मेरा फेस मिला रहे हैं। आखिर उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उन्होंने हमसे पूछा कि आंटी आप व्लॉग बनाती हैं ना, हमने कहा हाँ व्लॉग बनाते हैं। हे आंटी आप मेरे पसंदीदा जूस है और ये सब चीज़ें भी आप दिखाइए। निज़ाम व्लॉग जो बनाते हैं, मॉकटेल बनाते हैं और जो शादी में और भी जो चीज़ें करते हैं वो सब चीज़ें आप घरों में भी दिखाइए अपने। तो बच्चों की बात सुनकर अच्छा लगता है कि बच्चे क्या पसंद करते हैं तो उनकी पसंद की चीज़ें हम बनाएंगे जो बच्चे पसंद करना करते हैं, जो मेरे बच्चे पसंद करते हैं, जो आपके बच्चे पसंद करते हैं वो भी बनेगा। और कुछ नई चीज़, कुछ खास डिशेज भी हम दिखाएंगे आपको। मगर प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि निज़ाम ब्लॉग को देखिए, उसको सपोर्ट करिए, उसको प्यार दीजिए थोड़ा सा, निज़ाम के चेहरे पे हंसी आए। और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगर आप कोई भी मेरा भाई बहन अगर इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ये निज़ाम की तरफ से आज हम पहली बार बोल रहे हैं, हालांकि हम हर बार बोलते हैं ये चीज़, मगर आज निज़ाम ने कहा कि मम्मा हम कुकिंग के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो हम कुकिंग करते हैं। अब उनकी कुकिंग तो अभी तक आप लोगों ने देखी नहीं, हमने देखी है उनकी कुकिंग। तो अब उनकी कुकिंग में हम आपको दिखाएंगे कि निज़ाम क्या बनाते हैं कुकिंग में। निज़ाम को तो कुकिंग में हमने बहुत अच्छी चीज़ें, डिशेस बनाना सिखाया, जिसका एक आपको दिखाया था मटर पनीर, शाही पनीर बनाई थी निज़ाम व्लॉग ने, शाही पनीर बनाई थी निज़ाम व्लॉग ने, उसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया था। तो उसी तरह से अब निज़ाम शाही पनीर के दर पे आप अंडा करी बनाएंगे, जो अभी तक आप लोगों ने नहीं खाई होगी माशाल्लाह, और जायका बहुत अच्छा है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा है। करी नहीं,
अंडे को करी कहते हैं, उसी को तो तुमने बनाया था बेटा, अंडा करी बना चुकी है। अब जो बनाएंगे वो क्या रहेगा? नहीं, अंडा ही करी से तुम स्टार्ट करना, या जूसेस अभी तुमने। हाँ तो ये बोल रहे हैं कि मम्मा कल का हल्का फुल्का सा ट्राई करेंगे, एप्पल जूस बनाएंगे कल, या एप्पल जूस से स्टार्टिंग करेंगे अपने। शुरू में आप सबको मैं 6-7 दिन मतलब आपको ट्रेनिंग दूंगा कि मतलब जैसे हम शादी में मॉकटेल बनाते हैं, और शादी में हम तो आपको अच्छा ही लगता होगा कि मॉकटेल कैसे बनाया जाता है, पिया जाता है। और बहुत दिन से यूट्यूब पर जो वायरल चल रहा है मोहब्बत का शरबत, वो भी आपको दिखाएंगे। मोहब्बत है शरबत लोग कहते हैं, लेकिन हम कहते हैं उसको मोहब्बत का शरबत दिल्ली स्टाइल। दिल्ली स्टाइल का ज़रूर, लेकिन दिल्ली का नहीं है, दिल्ली वो अहमदाबाद की स्पेशल है, और वो करना चाहते थे। और बाकी आपको दिखाएंगे। ये लो मिराज आ गए हैं, और बाल में इन्होंने अपनी ब्लीच लगा ली है। मिराज देखिए क्या कहना चाह रहे हैं आप, कि मिराज आकर बैठ गए हैं अपने बालों में ब्लीच लगा कर। मिराज कुछ कहना चाह रहे बेटा, बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं आप। और मिराज क्या कहना चाहिए? लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, बाल को सब्सक्राइब कीजिए। और मिराज से तो बस यही आता, और कुछ बोलना ही नहीं आता। और आप लोगों ने फुल साथ दिया कि मेरे इंस्टाग्राम पे आप लोगों ने 2000 सब्सक्राइबर कर दिए, कहाँ 300 फॉलोअर के साथ कहाँ 2000 फॉलोअर, मतलब सब्सक्राइबर तो नहीं कहेंगे, सब्सक्राइबर तो अभी कम है, लेकिन यूट्यूब पर भी सब्सक्राइबर बढ़ा दिए। लेकिन इंस्टाग्राम पर तहे दिल से आपका शुक्रिया, जो मेरे इंस्टाग्राम के लोग देख रहे हैं उनको भी आपको शुक्रिया, जो यूट्यूब पर देख रहे हैं उनको तो तहे दिल से शुक्रिया। और यही तय दिल से मैं कहता हूँ कि मेरी YouTube फैमिली भी मेरा साथ दे और खूब सब्सक्राइब करें, कम से कम 1000 सब्सक्राइबर तो आप लोग पार करा दीजिए। फिर इंस्टाग्राम पर आप लोग ने शुक्रिया कहना चाहते हैं कि तय दिल से कि आप लोग ने बहुत जल्दी करा दी है हमारे 2010 के उस पर भी करा दिए। और क्या कहें बाकी आगे, फिर मम्मी कहेंगी, कुछ कह नहीं सकते। मम्मी क्या कहेंगी, मम्मी अपनी YouTube फैमिली से, जो मेरी YouTube फैमिली जो बहुत प्यारी है, जो वाकई हम लोगों का ख्याल रखती है, जो मेरे ऑडियंस है, जो मेरे देखते हैं, जो वो हम लोगों का ख्याल रखते हैं, तो उन भाई बहनों से और YouTube फैमिली से सिर्फ यही मैं रिक्वेस्ट करनी चाहूँगी कि मेरे बच्चे को आगे करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और जो ये कुकिंग का जो ला रहे हैं निज़ाम ब्लॉग, कुकिंग में आप देखिए बच्चा क्या बनाता है। अभी तक तो आप लोगों ने बड़े बड़े लोगों को देखा होगा यूट्यूब पर, ज़्यादातर खाना खजाना या बहुत से ऐसे चैनल है यूट्यूब के जो खाना अपना बनाते हैं, जो दिखाते हैं और हर चीज़ें जो करती हैं। तो उस लिहाज से मेरा बच्चा बहुत छोटा है अभी उस लिहाज से, मगर फिर भी अपनी कला का जो हुनर है वो जो करना चाहता है छोटी सी उम्र में। अभी कोई बहुत ज़्यादा इसकी उम्र नहीं है, 14-15 ही साल की है ये, तो 14-15 साल में हमने अपने बच्चे को हर चीज़ सिखाई है, खाना बनाना भी सिखाया है इसको हमने, और काम करना भी सिखाया है, बहुत सी चीज़ें ऐसी हमने सिखाई हैं। हाँ ये है कि कुछ कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दोस्त लोगों की संगत में जब चले जाते हैं तो सोचते हैं कि हम भी बच्चा बन गए हैं, तो हम तो इनको डांटते रहते हैं कि नहीं बेटा कुछ ऐसा गलत काम नहीं करो, कि हमारी YouTube फैमिली को पसंद ना आए। तो प्लीज़ हमारे बच्चे की अगर कोई गलती हो तो प्लीज़ उसको माफ़ करिएगा। और रिक्वेस्ट मेरी यही है तहे दिल से कि जो भी मेरा बच्चा बनाएगा आप लोग उसको देखिएगा पूरा पूरा, और कोशिश करिएगा कि कमेंट करें, शेयर करें, शेयर तहे दिल से अदा करें, और आपके घर में जितना ही मोबाइल है मोबाइल तोड़ के सब्सक्राइब करिए। तोड़ना नहीं है बेटा मोबाइल को, मोबाइल को खोलिए और यूट्यूब पर जाइए, सब्सक्राइब करिए निज़ाम ब्लॉग को। किसी को भी डीजे का जैसे अपने घर में कार्यक्रम करना है, उसके लिए मैंने डीजे का बिजनेस भी चालू करा है, जैसे कोई बर्थडे पार्टी है, शादी है, कुछ भी मतलब है टूजेट हमको ऑर्डर दीजिए, मैं आपको घर तक पहुंचाऊंगा, चाहे बाजा हो, चाहे पॉपकॉर्न हो, चाहे कुछ भी आप पॉपकॉर्न, कैंडी, शुगर कैंडी, खाने का अरेंजमेंट, और बबली बंटी या बैलून, बाउंसी झूला, जंपिंग, मेरे ब्लॉग पर सब चीज़ मेरे पास है।
आपने मतलब चीज देखा, बाजा देखा, बाकी अभी और बड़ा बड़ा मतलब और जाएंगे, बाजे को भी नेक्स्ट लेवल तक ले जाएंगे और नया नया बिजनेस डाला है, तो आप लोग सपोर्ट करेंगे काम, तो आप लोग का फुल सपोर्ट चाहिए। और मैं ये कहना चाहता था कि आप लोग ऐसे ही प्यार भरा दिल बरसाते रहें और मैं मेहनत से कभी पीछे नहीं हटा, और कभी मतलब कुछ भी काम हो मुझसे करवा ले, मैं कभी मेहनत से पीछे नहीं हटता। बस मेरा यही जुनून है कि काम काम बस काम। और लड़कों को देखो तो, और सारे लड़कों को देखो तो इधर उधर टहलते रहते, लेकिन मैं अपने पापा की मतलब जबान इतनी वैल्यू रखता हूँ कि मेरे पापा कहे थे कि क्या नाम है, बस काम करो बस फल की इच्छा मत करो। तो मैं वही फल की इच्छा मैं नहीं करता, सिर्फ काम करता हूँ और पैसे में पूरा कॉन्फिडेंस करता हूँ। ये है कि कभी काम मिलता है कभी नहीं मिलता है तो बात अलग है। जब मैं खाली रहता हूँ तो आपको ब्लॉग भी दिखाता हूँ। बाकी मिलते हैं कल दूसरे मतलब स्टाइल के ब्लॉग में, और दूसरे स्टाइल का ब्लॉग भी तो अच्छा ही होगा, दिखाते हैं आपको जो सामान खरीदते हैं, खरीद के दुकान भी दिखाएंगे, मतलब ब्लॉग ही रहेगा, लेकिन ब्लॉग के ब्लॉग और प्लस कुकिंग मतलब दोनों मिला रहेगा, ब्लॉग भी रहेगा कुकिंग भी रहेगा, दोनों मिक्सचर करके बना देंगे नया ब्लॉग। आओ मिलते हैं कल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।